हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मसाला पनीर घर पे कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है, तो चलिए फटाफट हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मसाला पनीर के लिए हमने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध ले लिया है। ये हमारा फुल फैट दूध है, यानी कि पूरी क्रीम वाली दूध है। दूध को हमें सबसे पहले गैस पे उबालना है, तो हम यहाँ पे गैस ऑन कर लेंगे और चलाते हुए दूध को उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने चलाते हुए दूध को उबाल लिया है, यानी कि दूध में अभी जस्ट उबाल आया है। अभी हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, हमें दूध को कोई गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूध को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, यानी कि इसकी जो हाई टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा मीडियम पे आने देंगे। क्या होता है, गरम गरम दूध को जब हम फाड़ते हैं तो अपनी पनीर जो है वो हार्ड तैयार होती है, तो इसके लिए हमें इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना है। फिर हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अपने दूध से जो तेज़ी में भाप निकलता था वो रुक गया है, तो हमें बस इतना ही दूध को ठंडा करना था। अब यहाँ पे हमने 2 नींबू का रस निकाल के उसमें 1/2 कप पानी मिक्स कर दिया है। आपकी नींबू छोटी हो तो 3 से 4 भी निकाल सकते हैं और ऐसे पानी तैयार कर सकते हैं। नींबू का रस निकालने के बाद आप स्ट्रेनर से छान लीजिए, नहीं तो उसमें सीड या उसके कुछ दाने चले जाते हैं तो अपनी पनीर ख़राब हो जाती है। अब हम इस नींबू के रस को अपने दूध में 2-2 चम्मच करके डालेंगे और चमची की मदद से ऐसे ही हिलाते जाएंगे। फिर से हम 2 चम्मच अपना नींबू का रस डालेंगे और चम्मच से हिलाते जाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो वाइट विनेगर का भी यूज कर सकते हैं, पर नींबू के रस से भी बहुत ही बढ़िया अपना छेना तैयार होता है। आप देख सकते हैं हमने सभी नींबू के रस को दूध में डाल दिया है, अपना पनीर के लिए दूध फटने लगा है, तो बस हमें 1/2 मिनट तक और चलाते रहना है कि बिल्कुल फ्रेश अपनी पनीर फट के दूध और पानी अलग हो जाए। हमने धीरे धीरे करके सभी नींबू के रस दूध में डाल दिया है। आप देख सकते हैं अपनी दूध जो है वो फटने लगी है, यानी कि पानी अलग और पनीर के लिए छेना अलग तैयार होने लगा है, तो बस हमें इसे 1.5 से 2 मिनट तक और चला देना है, अच्छे से अपनी दूध फट जाएगी। आप देख सकते हैं अपनी दूध फट चुकी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, तो आपको जितना टेस्टी बनाना है उस हिसाब से मसाला डालिए, क्योंकि मसाला पनीर हम बना रहे हैं। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं मिक्स हर्ब्स, आप चाहें तो यहाँ पे ओरिगेनो भी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे मिक्स हर्ब्स यूज कर रहे हैं। इससे पनीर के टेस्ट में 4 चांद आ जाती हैं। और 1 चम्मच हम यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, साथ में हम 1/4 चम्मच नमक डाल रहे हैं, हल्की सी हमें नमकीन भी पनीर बनानी है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम 1 चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता, तो यहाँ पे हमने धनिया पत्ता को धो के बारीक बारीक काट रखा है, इससे अपनी पनीर और जायकेदार होती है। तो आप देख सकते हैं हमने पनीर में सभी मसाले को मिला लिया। अब चलिए हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। हम छेना को छानने के लिए एक बॉल लिए हैं, उसके ऊपर हम एक जालीदार झरनी रखे हैं। आप कोई भी जालीदार ले लीजिए झरनी को, उसके ऊपर हम एक कॉटन क्लॉथ रखेंगे और इसमें हम अपने पनीर को बहुत ही सावधानी से गरम गरम ही छान लेंगे। हम गरम गरम झरनी के ऊपर अपने पनीर को डालेंगे।
पानी को हम अच्छे से निकलने देंगे, 1 से 1.5 मिनट में अपनी सारी पानी निकल जाएगी। दूध का फटा हुआ पानी निकल चुका है। अब यहाँ पे हम फ्रेश पानी से थोड़ा सा अपना पनीर धो लेंगे, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा नींबू का रस का मात्रा है वो निकल जाएगा, तो ज़्यादा खट्टा खट्टा अपना पनीर नहीं लगेगा। अब हम इस कपड़े को उठाकर और पानी को निचोड़ लेंगे। हल्के हाथों से हम पानी को निचोड़ लेंगे, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना पनीर के लिए ये छेना तैयार है। अब चलिए हम इसे जमाएंगे कैसे वो सिस्टम दिखाते हैं। हमने पानी को निचोड़ लिया है, अब चलिए हम इसे सेट करने के लिए कैसे रखते हैं वो आपको दिखा देते हैं। अब हम इसी क्लॉथ में इसको एकदम चौरस करते हुए पनीर को दबाएंगे, क्योंकि हमें एक चौकोनी टाइप की पनीर क्यूब्स बनानी है। तो सबसे पहले हम ऐसे अपने क्लॉथ को फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इसी थाली पे एक छोटा सा प्लेट उल्टा करके रखेंगे, उसके ऊपर अपनी ये पनीर रखेंगे और फिर उस पर एक छोटा प्लेट सीधा करके हम रखेंगे, जिससे इस पर हम वज़नदार सामान रख सकें। तो यहाँ पे आपके घर में कोई भी वज़नदार सामान हो उसको रखिए। हमारे पास ये चावल का डब्बा है, तो हम इस प्लेट पे ये चावल का डब्बा रख देते हैं। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस थाली में आके गिरेगा और अपनी पनीर 1 से 2 घंटा में अच्छे से सेट हो जाएगी। तो सेट होने के बाद हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हेवी बर्तन रखने के बाद ये थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो निकल रहा है, इसी के वजह से अपनी पनीर अच्छे से सेट हो जाती है। तो चलिए हम सेट होने के बाद आपको दिखाते हैं। 2 आवर्स हो चुके हैं, यानी कि 2 घंटे। चलिए अपना पनीर सेक कर लेते हैं। तो हम ये बड़ा सा डब्बा को हटा देंगे, इसमें लमसम 10 किलो का वजन है, यानी कि चावल है। अब चलिए हम इस थाली को हटा लेते हैं और पनीर को हम एक चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेते हैं। अब हम धीरे धीरे कपड़ा को ओपन करेंगे। अपना पनीर को हम निकाल के आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना सॉफ्ट पनीर तैयार हुआ है। इसको हम काट के आपको दिखा देते हैं। एक नाइफ की मदद से हम इसे पीसेस करके दिखा रहे हैं। ये मसाला पनीर बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसे रोस्ट करके खाएं या ऐसे ही चटनी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। और सबसे अच्छा घर का बना ये शुद्ध पनीर तैयार हुआ। तो यहाँ पे हमने पनीर के क्यूब्स तैयार कर लिए हैं। आपको मैं एक पनीर उठा के दिखा देती हूँ, आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। हम तो कहेंगे कि मार्केट से भी बढ़िया और टेस्टी पनीर तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया घर पे मसाला पनीर बनाना कितना आसान है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। हमने कुछ टिप्स बताए हैं, उसे आप फॉलो करेंगे, आपकी भी घर पे बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बनके तैयार होगा। हाँ, दूध फुल क्रीम होना चाहिए। दूध उबालने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके आप उसमें नींबू का रस या विनेगर डालिए। तुरंत पनीर को छान लीजिए, नहीं तो क्या होता है वो चिटचिटा सा होने लगता है। और प्रेस करने के लिए कुछ हेवी पॉट लीजिए, जिससे अच्छे से पनीर का पानी निकल जाए, तो आपके भी किचन में अच्छी सी पनीर बनके तैयार होगी। धन्यवाद।